नमस्कार, क्रिकेट में जीरो जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज अगस्त 2019 में एशेज के साथ हो चुका है और अभी तक आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कुल 7 मैचेस खेले जा चुके हैं और आज इस वीडियो में हम लोग इन्हीं 7 मैचेस के बाद जो पॉइंट्स टेबल है उसका पूरा प्रीव्यू करने वाले हैं। आपको हम बताने वाले कि कौन सी टीम का भी क्या हाल है, कौन सी टीम रहने वाली है टॉप में, कौन सी टीम रहने वाली है बॉटम में, तो पूरी डिटेल में बात करने वाले इस वीडियो में। ले उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो 250 लाइक्स का एम है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर से दबा लीजिए। तो अभी जो पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 की टीम है वो है इंडियन क्रिकेट टीम। 2 मैचेस खेले, दोनों के दोनों मैचेस इंडिया ने जीत लिए हैं और इंडिया का जो भी पॉइंट्स है वो है 120, यानी कि पर मैच के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा पॉइंट्स दे रही है आईसीसी इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए। अगर इस जीत की बात करें तो इंडिया के लिए ये सीरीज जीतना बहुत ही ज़्यादा ईजी था, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ को टीम थी बहुत ज़्यादा वीक थी। नेक्स्ट टीम इंडिया खेलने वाली है साउथ अफ्रीका के साथ, जहाँ टीम इंडिया 3 टेस्ट खेलेगी और ये एकदम भी ईजी नहीं होने वाले हैं। लेकिन टीम इंडिया होम में खेलने वाली है, टीम इंडिया के पास होम एडवांटेज होगा। इंडिया घर में टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही है, तो ये तो सीरीज मेरे ख्याल से टीम इंडिया जीतने वाली है। इसके अलावा बांग्लादेश और इंग्लैंड के साथ भी टीम इंडिया घर में सीरीज़ खेलेगी, वही ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ टीम इंडिया अवे सीरीज़ खेलने वाली है और ऑस्ट्रेलिया का जो हराना है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि स्टीव स्मिथ अभी बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। स्टीव स्मिथ के टीम में आने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ही ज़्यादा बैलेंस लग रही है। जो बची हुई टीम है उनको हराना थोड़ा बहुत तो ईजी रहने वाला है टीम इंडिया के लिए। अगर प्रिडिक्शन की बात करें तो यहाँ से एक बात तो साफ हो चुकी है कि टीम इंडिया टॉप 2 में फिनिश करने वाली है। और मैं आपको बता दूँ कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का रूल है उसके मुताबिक 2021 में जो पॉइंट्स टेबल टॉप 2 टीम होगी वो खेलेगी फाइनल, जो कि खेला जाएगा लॉर्ड्स में। तो टीम इंडिया के बहुत ही चांसेस है कि टीम इंडिया टॉप 2 में फिनिश करे। अभी मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ और वो यही है कि इस पॉइंट्स टेबल में पॉइंट्स डिडक्ट भी होंगे। जी हाँ, पॉइंट्स कम भी हो सकते हैं। अगर कोई टीम का जो ओवर रेट है वो धीरे चलता है तो जितने ओवर्स नहीं डाले गए उतने पॉइंट्स कटने वाले हैं। तो टीम इंडिया एश्योर्ड नहीं बैठ सकती है कि टीम इंडिया के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि पॉइंट्स कटने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं और इसकी जो जिम्मेदारी होगी वो होगी टीम इंडिया के बॉलर्स और कप्तान पर। अभी जो नंबर 2 की टीम है वो है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम। इन्होंने 2 मैचेस खेले हैं, 1 विन है इनका, 1 लूज है और जो इनका पॉइंट्स है वो है 60। न्यूजीलैंड के लिए एकदम भी इजी नहीं होने वाले टॉप 2 में फिनिश करना, क्योंकि श्रीलंका ऐसे ओपोनेंट के सामने वो एक मैच ऑलरेडी हार चुकी है और उनको अभी ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और इंडिया के साथ भी सीरीज़ खेलना है। तो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के लिए। अभी नंबर 3 में मौजूद है पॉइंट्स टेबल में श्रीलंकन क्रिकेट टीम। 2 मैचेस खेले हैं, 1 मैच इन्होंने जीता है, 1 मैच इन्होंने लूज़ किया है। इनके पॉइंट्स भी है 60 और श्रीलंका के लिए भी बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाले हैं, क्योंकि जब ये सब कॉन्टिनेंट से बाहर जाएंगे तब इनको सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ पे सीमिंग कंडीशंस होगी और श्रीलंकन क्रिकेट टीम सीमिंग कंडीशंस के लिए अभी तो रेडी नहीं है। नंबर 4 में जो टीम है पॉइंट्स टेबल पर अभी वे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। 3 मैचेस खेले हैं, 1 मैच जीता है, 1 मैच लूज़ किया है और 1 मैच ड्रॉ रहा है। इनके जो पॉइंट्स है वो है 32। इस मैच में 5 सीरीज़ होने वाले हैं इसलिए पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा कम मिलने वाले हैं, लेकिन स्टीव स्मिथ के वापसी से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम बहुत ही ज़्यादा अलग लग रही है, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस लग रही है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम और स्टीव स्मिथ इनको फ्रंट से लीड कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया भी पक्का पक्का श्योर है कि इंडिया को बहुत ही टफ कंपटीशन देने वाली है और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम भी टॉप 2 में रहने वाली है। अभी नंबर 5 की जो टीम है पॉइंट्स टेबल पर वो है इंग्लैंड क्रिकेट टीम। 3 मैचेस खेले हैं, 1 मैच लूज़ किया इन्होंने, 1 मैच जीता है और 1 मैच ड्रॉ रहा है। इनके पॉइंट्स भी है 32, लेकिन इंग्लैंड के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहने वाली है, क्योंकि इनके ओपनर्स पूरी तरह से फेल रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में रूट और स्टोक्स को छोड़ दे तो उसके अलावा किसी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। हालाँकि इंग्लैंड भी ज़रूर इस लाइनअप में मौजूद है, लेकिन इंग्लैंड के लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किल है क्वालिफाई करना टॉप 2 के लिए। पॉइंट्स टेबल पर नंबर 6 में मौजूद है वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम। 2 मैचेस खेले हैं, दोनों के दोनों ये लूज़ कर चुके हैं। इनके पॉइंट्स है 0 और वेस्ट इंडीज़ की टीम बहुत ही ज़्यादा वीक लग रही है। बॉलिंग डिपार्टमेंट इनका अच्छा है लेकिन बैटिंग में ये बहुत ही ज़्यादा वीक है और इसी के वजह से वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम तो क्वालिफाई नहीं करने वाली है। इसके अलावा नंबर 7 में अभी साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम, नंबर 8 में बांग्लादेश क्रिकेट टीम और लास्ट में नंबर 9 की पोजिशन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तीनों टीमों ने अभी तक एक भी मैचेस नहीं खेला है। अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकती है, क्योंकि टेस्ट में इन्होंने
बहुत ही अच्छा खेला है। न्यूजीलैंड को उन्होंने घर में जाके हराया था, इंग्लैंड को भी उन्होंने घर में जाके एक दो मैचेस हराया था, और पाकिस्तान की जो टीम है वो टेस्ट मैचेस में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करती है। साथ ही साथ इस बार टेस्ट मैचेस पाकिस्तान में भी होने वाले हैं, तो पाकिस्तान को भी होम एडवांटेज रहने वाला है और पाकिस्तान की टीम भी क्वालिफाई कर सकती है। तो अगर ओवरऑल इस पूरे पॉइंट्स टेबल पर अगर हम लोग नज़र डालें तो 5 टीम ऐसी है जो टॉप 2 स्पॉट्स पर रह सकती है। इंडियन क्रिकेट टीम, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ये 3 टीम के बीच बहुत ही टक्कर होने वाली है, और साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच एक आउटसाइड चांस बन सकता है, और ये दोनों टीम मिलाकर पॉइंट्स टेबल को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाली है, जो हमें 2021 में देखने को मिलने वाला है। सो ये तो था ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल है उसकी पूरी रिव्यू। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर से दबा लें। मिलता है आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।